औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको क़यामत से पहले के सारी निशानियों में अल्लाह हक़ है बताया, और क़यामत से पहले फितनों का बाजार होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में फ़िरक़े हो जाएंगे और मुसलमान जिहाद के लिए नहीं उठेगा। मुसलमान को दीन के सही मकसद से जीने का अरमान नहीं रहेगा। वो अब जिंदगी को जो इंडिया में न्यूज़ के एतबार से जो चल रही, चाहे वो अखबार क्यों ना हो, चाहे वो टीवी क्यों ना हो, चाहे मूवीज़ क्यों ना हो, चाहे सियासत क्यों ना हो, वो सारी उसको उलझा के रख देगी कि उसका तेज़ वक्त आएगा और वो कल ख़बर में होगा। उसको मौत का भी एहसास नहीं दिलाएगी उसकी ज़िंदगी, वो इतनी तेज़ी से उसका उम्र का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा कि एक तो बचपन माँ बाप के इर्द गिर्द, और फिर उसके बाद जो जवानी आएगी उसमें तालीम का और वो ज़िम्मेदारियाँ संभालने का उसके जहन में यही रुझान रहेगा कि मेरे को पढ़ लेना है, एक जॉब लेनी है, एक घर बनाना है, बीवी बच्चे पालने हैं। यहाँ से थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो इंडिया के अंदर के जो वेदर है, हवाएं जो रहती, मौसम जो रहते, क्योंकि अब तो डायरेक्ट चाइना से अटैक हो रहा कोविड-19 का, तो उसको वो भी एहसास होने नहीं देगा इंडिया के अंदर। और फिर मोदी की सियासत में जो सबक मिलता है इंसान को, वो समझ में नहीं आएगा। मोदी, अमित शाह और योगी, ये तीन ही विकेट्स है, और ये विकेट्स कैसा गिराना है ये अपोजिशन वाले अभी नहीं समझ पाए कि इनको इलेक्शन में कैसे हराना है। क्योंकि केजरीवाल अलग लड़ रहा, ममता बनर्जी अलग लड़ रही, और KCR हमारा तेलंगाना का, उन्हें अलग लड़ रहा, और फिर इंडिया के अंदर केरला को बहुत बड़ा कम्युनिस्ट ग्राउंड बनाने के लिए वो अलग लड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र शिवसेना के हाथ से चलेगा। तो हिंदू आधे हिंदुत्व का ख्याल करेंगे बीजेपी RSS का, और आधे हिंदू ये इंडिया में सिर्फ मुसलमानों से नफरत हो रही बोल के बताएंगे। मैं आपको सबसे पहले इंसान के ऊपर इम्तिहान लेता है अल्लाह ताला, और इबरत के तौर पे उनको मार डालता है, खास करके ऐश्वर्य राय। ऐश्वर्य राय एक ऐसी गंदी हीरोइन है जो हमारे तेलुगु और तमिल वालों ने बताया कि वो विलन है, खलनायिका जो बोलते वो है, यानी वो गंदी औरत है बताए हमारे जो तमिल तेलुगु के, जो मैं उन लोगों के राय देखता हूँ उनके वीडियोस डाल के, तो लोग बताए वो शैतान औरत है बताए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने अपना कैरियर बनाने के लिए सिर्फ खूबसूरती का सहारा लेके सुभाष घाई को, बूढ़े आदमी को भी यूज़ की, अमिताभ को भी यूज़ की, और फिर उसके बाद सलमान खान तो उसकी जो है एक पैर की धूल था, क्योंकि सलमान खान लट्ठू था,
हर औरत के ऊपर इश्क करता था, कोई बड़ी बात नहीं थी ऐश्वर्या राय बोले तो। विवेक ओबराय अलबत्ता ये बहुत बुढ़े आदमियों के साथ गंदगी करती बोल के, वो रॉयल घर का है हमारे हैदराबाद का लड़का, उन्हें लात मारा उसको। तो अल्लाह ने उसके ऊपर ऐसा ममता का इम्तिहान लिया कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। यहां मालूम हो गया अभिषेक गे टाइप का है। अब उनके घर में क्या खिचड़ी पकड़ी, अल्लाह अजाब के तौर पे उसकी बेटी सामने आई। याद रखिए, अब जो हमारे मुसलमानों को अल्लाह अजाब देता है उसमें तस्लीमा नसरीन बिस्तर पे पड़ी हुई है, सुना। दूसरा, सलमान रश्दी को यहां अमेरिका में एक लड़का स्टेज पे जाके उसको वार किया और उसको 10-12 साल तक वो बुक लिखने के बाद खौफ रहा कि क्योंकि शियों में खुमैनी के ऊपर जो मोहब्बत रखते हैं उसका फतवा था, इस वास्ते वो डरता रहा सलमान रश्दी। तो उसकी भी जिंदगी अजाब कर दिया अल्लाह जीते जी। तारिक फतेह मुसलमानों के साथ जो पेश आया, अब सिर्फ उसको अल्लाह के पास है और उसको भी इबरत से मौत हुई। वसीम रजवी तुम्हारे सामने पागल हो गया, तन्हा हो गया, ना तो उसको सनातन धर्म काम आया ना तो उसका मूर्ति धोना काम आया। मैं आपको एक ऐसी बात बोल रहा हूं जो हमारे मुसलमान ये नहीं समझेंगे। अहमद दीदार अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में जाके क्रिश्चियनों से डिबेट करे, लेकिन उन्होंने असल बात नहीं बता सके कि सिर्फ ईसा अलैहि सलाम पैगंबर है और ईसा अलैहि सलाम को कोई खुदा नहीं बोला 2000 साल पहले। खुदा का बेटा आज भी 90% क्रिश्चियन बोलते और खुदा को कोई नहीं देखा, ये बात अहमद दीदार नहीं बता सके। और वो बाइबल के जो डिबेट्स के वक्त रेफरेंस देते वो लोग क्रिश्चियंस आके इनके सामने, खुदा और मैं जीसस दोनों एक है बोल के बताए, ये सिर्फ बाइबल वाले लिख के शैतानी दे दिए। और फिर उसके बाद ये हो गया अल्लाह के पास कि अल्लाह ने यूरोप में इनको रोक दिया क्रिश्चियनिटी को, और आज पूरे अफ्रीका के अंदर के क्रिश्चियन पास्टर्स 1000 से ज्यादा मुसलमान हो गए, 1000 से ज्यादा। मैं ऐसी रिपोर्ट दे रहा हूं आपको जो आपको समझना चाहिए कि अफ्रीका के कंट्रीज में 1000 से ज्यादा क्रिश्चियन पास्टर्स मुसलमान हो गए। आम आदमियों की बात छोड़ दो। और अल्लाह ताला क्रिश्चियनों से बदला ले लिया, इनकी अमेरिका की जो क्रिश्चियनिटी का फैलाने का काम था इनके अपने मुल्क में खून रेजी हो रही, इनके अपने मुल्क में ड्रग्स बेचे जा रहे, इनके अपने मुल्क में बच्चे इस्लाम कबूल कर रहे, इनके अपने मुल्क में माँ बाप को मार दे रहे, लोगों को मार दे रहे, कोई टीचरों की इज्जत नहीं है, इनके अपने मुल्क में सिंगल मदर्स है, इनके अपने मुल्क में मैरिज के डिवोर्स है, और इनके अपने मुल्क में घनाउनी बीमारियां हैं। तो अल्लाह इबरत के लिए अमेरिका बना दिया। आज अमेरिका के अंदर जो अजाब आ रहा, क़यामत का अजाब है, तूफानों का, टर्नाडोस का, इकॉनमी गिर जा रही, महंगाई बढ़ जा रही। और आप सबसे बड़ी बात यह देखेंगे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में चर्च नए नहीं रहते, ये लोग सिर्फ पैसा इंडिया पे खर्च करते वहां चर्च नए रहते, और यहां के चर्च खंडर हो जाते, यानी तो मुसलमान खरीद के मस्जिद बना दे रहे। अब इंडिया की हकीकत ले लो, इंडिया के अंदर मोदी, अमित शाह और योगी, ये तीन के ऊपर
शैतानी ठहरी हुई है, औज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, इनका खात्मा होगा और बीजेपी को अल्लाह इबरत के तौर पे तुम्हारे सामने मिसाल खड़ाएगा और तुम्हारे सामने अल्लाह ताला पेश कर देगा कि ये 33 मिलियन कोई खुदा नहीं है, सिर्फ हिंदू बोल के मर रहा और आग में चले जा रहा। सबसे बड़ी बात ये होगी, अभी तुम केरला स्टोरी देख रहे, मैं ये पार्ट टू के तौर पे बना रहा हूं, इसमें साफ बात सामने आ गई कि कोई भी दूसरे कंट्रीज में यह फिल्म नहीं देख रहा, सिर्फ इंडिया की पब्लिक सिटी, इंडिया के हिंदुओं को वो मूवी देखने पर मजबूर कर गई। आप पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में केरला नाम की कोई मूवी का बिजनेस नहीं देखेंगे आप। मैं 3 दिन का रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, क्यों कि यहां जो माइग्रेट हो जाता हिंदू, उसको मालूम है कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा, वो चुप है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा, वो यूरोप में आके मालूम कर लिए, इस वास्ते वो लोग केरला स्टोरी नहीं देख रहे यूरोप में, अमेरिका कैनेडा में, और वर्ल्ड वाइड भी कोई नहीं देख रहा। जैसे मिडल ईस्ट में भी जो है खान्स की मूवीज का क्रेज रहता, वैसा कोई नहीं देख रहा। बिजनेस के एतबार से इंडिया में हो रहा, उसमें भी झूठ बताया जा रहा। एक झूठा है वो अखिलेश नाम से, या कुछ रिव्यू देता उन्हें, सबसे पहले उसका ही चाहता वीडियो, बॉम्बे का, महाराष्ट्र का है, हिंदू है वो, कैलाश अखिलेश कुछ नाम से ऐसा।